सिंगल साइड बैंड टेक्निक्स. सो इन द थेरी वॉट वी हैव सीन अर्लियर दैट देर आर टू साइड बैंड्स ऑफ द एएम जनरेशन. ओके, दिस चैप्टर विल शो दैट देर इज नो नेसेसिटी टू ट्रांसमिट ऑल दोज सिग्नल्स टू प्रोवाइड द रिसीवर विथ इनफ इंफॉर्मेशन टू रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल मॉड्यूलेशन. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम एएम जनरेट होता है एएम मॉड्यूलेशन से, तो तीन फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है. कौन सी? एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड. तो ये जो चैप्टर है दैट इज एएम ट्रांसमीटर, दैट विल शो अस दैट देर इज नो नीड टू ट्रांसमिट ऑल द थ्री साइड बैंड्स, ऑल द थ्री पार्ट ऑफ द सिग्नल. द कैरियर मे बी रिमूव्ड और अटोनिएटेड एंड सो कैन वन ऑफ द टू साइड बैंड्स. द रिजल्टिंग सिग्नल विल रिक्वायर लेस ट्रांसमिटेड पावर एंड दैट विल ऑक्यूपाई लेस बैंडविड्थ, प्रिफरेबली एक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन विल बी पॉसिबल. दिस चैप्टर विल शो द मेथड बाय विच अ कैरियर इज रिमूव्ड एंड द थ्री स्टैंडर्ड मेथड्स रिमूविंग द अनवॉन्टेड साइड बैंड, कैरियर रीरेंसेशन एंड इंडिपेंडेंट साइड बैंड ट्रांसमिशन विल बी डिस्कस एज विल बी ट्रांसमिटिंग रिसीवर ब्लॉक डायग्राम. फाइनली वेस्टिजियल साइड बैंड. सो दिस वेस्टिजियल साइड बैंड इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, सो वी विल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ दैट. सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन हैज बीन द क्वाइट पॉसिबली द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग फॉर्म ऑफ द एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी. इट ऑफर्स सो मेनी एडवांटेजेस दैट लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैव बीन कन्वर्टेड टू दिस टेक्नोलॉजी. अमंग इट्स ग्रेट एडवांटेज इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट गुड कम्युनिकेशन क्वालिटी सिग्नल, लो पावर फॉर द डिस्कशन इन्वॉल्व. इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट दिस फॉर्म मॉड्यूलेशन इट्स प्रॉपर्टी, इट इज नाउ नेसेसरी टू रिव्यू सम ऑफ द वर्क एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रॉम द अर्ली पार्ट्स ऑफ चैप्टर थ्री. तो ये टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर थ्री है उसमें पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिया है. तो इसमें आप, और मैंने पहले ही बोला था आपको कि जब और अगर आपको यूनिट नंबर थ्री पढ़ना है तो यू शुड नो द एम मॉड्यूलेशन, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के, यहाँ पे लिखे हैं: अंडरस्टैंड द बेसिक सिंगल साइड बैंड, कैलकुलेट द पावर सेविंग, रिप्रोड्यूस ऑन पेपर द वेरियस वेव शेपिंग प्रिंटिंग द बेसिस बी, डिफाइन द टर्म कैरियर सेपरेशन, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएसपी सेपरेशन फिल्टर सिस्टम, लिस्ट एंड डिफाइन वेरियस डिजिग्नेशन ऑफ एएम, एक्सप्लेन द टर्म कैरियर रेंसरेशन, अंडरस्टैंड द टर्म वेस्टिजियल साइड बैंड. तो वेस्टिजियल साइड बैंड तो हम कवर करने नहीं वाले हैं, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ why we need to we will take the review of the basic transmission process. The physical length of antenna must be equal to the wavelength of transmit signal, usually RF range. The audio signal is much too long to transmit directly by conventional antenna. The intelligence यानी जो हमारा information signal है वो must be processed by electronic circuitry to meet the transmission requirement. This is known as the mixing. Okay, so कल का जो हमने example देखा था वही फिर से हम देखने वाले हैं. ये आगे बढ़ गया हमें गलती से, तो मैं वापस आ रहा हूँ. ये हम देख चुके हैं पहले ही. ओके, तो सिंपल है ये, न्यूमेरिकल से आपको कंप्लीट ये चैप्टर ये चैप्टर समझ में आएगा. वन मिनट, आई एम अगेन फॉरवर्ड. ये हम देख चुके हैं. वन मिनट, ये देख चुके हैं हम प्रीवियस केस में. हमने कल ये देखा था डायग्राम, अगर आपको याद होगा.
This diagram we have taken yesterday. If you recall from our previous yesterday's lecture, then you will find out this. मैंने ये बोला था आपको कि ये सब एम्पलीफायर्स की क्यों लाइन लगी हुई है, बिकॉज एम्पलीफायर विल एक्ट एज अ वॉट पेट्रोल पंप्स और द चार्जिंग स्टेशन फॉर दैट सिग्नल, क्योंकि सिग्नल को ट्रैवल करना है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. जस्ट लाइक आई हैव गिवन एग्जाम्पल दैट आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम अमरावती टू नागपुर, बट आई डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी ऑफ माई बैटरी. लेट अस से वी आर गोइंग बाय अ ई व्हीकल, माई रेंज ऑफ माई बैटरी इज, माई कार्स बैटरी इज ओनली 50 किलोमीटर्स, नागपुर इज 150 किलोमीटर. सो आफ्टर 50 किलोमीटर्स आई विल स्टॉप, माई व्हीकल विल स्टॉप. सो दैट्स वाई एट ईच 50 किलोमीटर्स आई नीड अ चार्जिंग स्टेशन, सो दैट by charging that battery my vehicle can travel from Amravati to Nagpur without any problem. Similarly, if a signal is traveling from Delhi to Amravati, so distance is, let us say, 2000 kilometers, and signal is also physical quantity. तो signal physical quantity है, उसको energy लगेगी. वो energy कहाँ पर आएगा? हवा में. कौन उसको energy देने वाला है? हवा में कोई energy देने वाला नहीं है. वो वहाँ पे पेट्रोल नहीं भर सकता है, तो उसका पेट्रोल पहले से ही उसके पास है, जो एम्पलीफायर ने उसके पास उसको स्ट्रेंथ बढ़ा के दे दिया है ऑलरेडी. इसीलिए दिल्ली का जो रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम है, हमारे यहाँ पे हम प्रॉपरली सुन सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो ये हमने कल डिस्कस किया था. तो ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. आई थिंक वी विल मूव फॉर चैप्टर 4. ओके, ये हमारा स्टार्ट हो गया था. उसके लिए हम ये एग्जांपल देखेंगे. अब कल भी देख चुके हैं. मेरा आज का यही टारगेट है कि आपको एग्जांपल समझा के देना और वाई टू सप्रेस द साइड बैंड और वाई टू सप्रेस द कैरियर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज़ अवर टुडेज टारगेट. ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. ये देखो, कैलकुलेट द परसेंट पावर सेविंग व्हेन द कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड इज सप्रेस्ड इन एन एम वेव मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 100%. तो अगर एक साइड बैंड को सप्रेस किया और उन्होंने क्या बोला कि कैरियर को भी सप्रेस किया, क्या किया है? न्यूमेरिकल प्रॉपरली पढ़ो एक बार फिर से. ये बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग व्हेन द कैरियर, यानी कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड इन एन एम वेव मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 100% एंड 50%. यानी सबसे पहले तो एम की वैल्यू दी है 100% और दूसरे यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है. पहले केस में 100% है यानी 1 है, दूसरे केस में 50% है यानी 1/2 है. और क्या बोला है? व्हेन अ कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड, यानी कैरियर को भी सप्रेस्ड किया और एक साइड बैंड को भी क्या किया? सप्रेस्ड किया. तो हमें बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग. तो टोटल पावर कितना है? टोटल पावर का फॉर्मूला फिर से ये आपके स्क्रीन पे है, पीटी इक्वल्स टू पीसी. ये कहाँ से आया? पहले, इसके पहले वाले यूनिट से. तो अगर मैंने m की वैल्यू 1 डाला है क्योंकि 100% दिया है, तो कितना हो जाएगा टोटल पावर? 1.5. और साइड बैंड का पावर कितना होगा? pc इंटू एम स्क्वेयर बाय 4, अगेन pc इंटू 1 स्क्वेयर बाय 4, सो 0.25 pc. और तो सेविंग कितना होगा? सेविंग कितना होगा? कैरियर भी सप्रेस्ड किया और साइड बैंड भी सप्रेस्ड किया, तो 1.5 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट गिव्स अस 83.